नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 विषय हिंदी इकाई नंबर 5 जिसमें जिसका साहित्यिक प्रकार है दोहा, जिसमें कबीर रहीम तुलसीदास ने बहुत सारी जीवन उपयोगी बातें बताई हैं। इस इकाई में आज हम कबीर रचित दोहे के बारे में चर्चा करेंगे। कबीरदास रचित दोहे की समझौती प्राप्त करने से पहले हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत कबीर का स्थान, कबीर का इतिहास और के बारे में हम थोड़ी स्पष्टता कर लेते हैं कि हिंदी साहित्य को चार कालों में विभाजित किया जाता है। समय के हिसाब से हिंदी साहित्य को चार कालों में विभाजित किया गया है, आदिकाल, मध्यकाल जिसमें भक्ति काल आता है, और रीतिकाल और आधुनिक काल। इन चार कालों में हिंदी साहित्य को बांटा गया है, जिसमें कबीर का स्थान मध्यकाल के अंतर्गत मध्यकालीन हिंदी साहित्य में भक्ति काल में निर्गुण शाखा, निर्गुण मार्गीय कवि रामाश्रयी शाखा के कबीरदास कवि हैं। कबीर के पास साहित्यिक ज्ञान यानी कि लिखित जो लिखा हुआ साहित्य का ज्ञान कम था, लेकिन उसके कबीर को जो अनुभव का ज्ञान था, अनुभव के जरिए कबीरदास सब कवियों से आगे हैं। कबीरदास संत परंपरा के कवि हैं। तो कबीरदास का हिंदी साहित्य के अंतर्गत समय 15वीं शताब्दी के कवि माने जाते हैं। जो ये शताब्दी है 15वीं शताब्दी यानी कि जो 1400 के बाद जो समय पसार होता है 15 तक, ये जो 14 से 15 के बीच का जो समय है उसे 15वीं शताब्दी कहा जाता है। जब कबीरदास इस दुनिया में जी रहे थे तब हिंदू और मुसलमान दोनों में बहुत सारी गलतियां थी। दोनों समाज में जो बुराइयां थी उस बुराइयों को लेकर कबीरदास ने जो दोहे की जो जिस साहित्य की रचना की है उसे दोहा कहा जाता है। उसमें कबीरदास ने साखी, सबद और रमेनी तीन प्रकार की साहित्यिक रचनाओं की हैं, जिसमें कबीरदास का जो कबीरदास ने कभी ग्रंथ नहीं लिखा ऐसा कहा जाता है, लेकिन उसके साहित्य के जो उसने जो रचना की वो बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित हैं। तो कबीर की भाषा के बारे में हम समझे तो कबीरदास ने सधुकड़ी भाषा में यानी कि खिचड़ी, उनकी भाषा को खिचड़ी भी कहा जाता है, खड़ी बोली हिंदी का कबीरदास ने अच्छा प्रयोग किया गया है। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हिंदी साहित्य में कबीरदास से माना जाता है। तो कबीरदास जिस समय जी रहे थे उसी समय हिंदू और मुसलमानों में बहुत सारी बुराइयां थी, उनको लेकर कबीरदास ने जो काफ़ी सारे दोहे, साखी, पद की रचना की हैं। कबीरदास ने जो ये अक्षर ज्ञान को लेकर एक दोहा रचा है, जो हमारे इस हिंदी साहित्य में यानी कि 8वीं कक्षा में जो इस दोहे को समाहित नहीं किया गया है, लेकिन समझदारी के लिए मैं यहाँ आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। यहाँ पर कबीरदास ने ये समझाया कि पोथी पढ़ी पढ़ी, पोथी यानी कि ग्रंथ पढ़ने से पंडित नहीं
बना जाता, यानी कि पंडित नहीं कहलाते। लेकिन जो ढाई अक्षर प्रेम का, यानी कि प्रेम नामक शब्द को जो समझ जाए, वो जो पोथी पढ़ता है उससे भी बढ़कर पंडित बन जाता है, ऐसा कबीरदास ने यहाँ पर कहा है। और उन्होंने कबीरदास जिस समय थे उस समय कबीरदास काफ़ी सारा साहित्य कागज़ पर लिखा जाता था, तो कबीरदास इस कागज़ की लेखी को नहीं मानते थे। उनके साथ अनुभव का ज्ञान बहुत सारा था, तो कबीरदास ने अनुभव के ज्ञान को प्रस्तुत करने के लिए कहा है कि तू कहे कागज़ की लेखी, कागज़ की देखी, मैं कहूँ आखन की देखी। तो कबीरदास यहाँ आँखों के सामने जो होता है, जिसे ऐसा साहित्य रचा जाए, ऐसे साहित्य को कबीरदास ने यहाँ अधिक महत्व दिया गया है। कबीरदास ऐसे साहित्य का साहित्य को स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर हमें आठवीं कक्षा में एक दोहा दिया गया है कबीरदास ने, इस दोहे को अब हम समझते हैं। तो साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए। यहाँ पर साईं शब्द आया है, साईं, साईं का मतलब होता है ईश्वर, भगवान। जा मैं यानी कि जिसमें, जा मैं शब्द का अर्थ होता है जिसमें। कुटुंब, कुटुंब का मतलब आप जानते ही होंगे, लेकिन मैं यहाँ पर बता ही देता हूँ। कुटुंब यानी कि हमारा जो परिवार है, परिवार को हम कुटुंब बोलते हैं। समाई यानी कि पालन पोषण हो सके, तो मैं भी भूखा न रहूँ। फिर एक शब्द आए हैं साधु, साधु का मतलब होता है संत यानी फकीर, संत या फकीर साधु का मतलब होता है। तो कबीरदास यहाँ भगवान से विनती करता है कि जनता के लिए, इस संसार के लोगों के लिए कबीरदास भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान हमें इतना दीजिए, हे भगवान हमें इतना अन्न दीजिए कि जिससे हमारे परिवार का, हमारे कुटुंब का पालन पोषण हो सके। मुझे इतना अन्न दीजिए जिससे मैं भी भूखा न रहूं और हमारे द्वार पर, हमारे आंगन में जो साधु संत फकीर जो मांगने के लिए आता है या हमारे आंगन में खड़ा रहता है, वो भी भूखा न जाए। यस, इतना मुझे अन्न दीजिए। एक बात यहाँ पर तय होती है कि जब हमारे पास धन नहीं होता, जब हमारे पास कुछ भी खाने के लिए नहीं होता, तो हम दूसरों को कैसे दे सकते हैं। इसीलिए कबीरदास ने यहाँ पर कहा कि हे भगवान, हे ईश्वर, हमें इतना अन्न दीजिए जिससे हमारा कुटुंब का पालन पोषण हो सके और मैं भी भूखा न रहूं, हमारे द्वार पर जो साधु संत आते हैं वो भी भूखा न जाए, बस मुझे इतना धन दीजिए। ऐसी कबीर ने ईश्वर से प्रार्थना की है। इस दोहे में दान प्रियता की महत्ता यानी कि महत्व समझाया गया है। दूसरा दोहा है, बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आप नो जग में होत हसाई। तो यहाँ पर हम इस दोहे को समझने से पहले उसके शब्द को हम समझ लेते हैं। तो विचार यानी कि सोच समझ, विचार का मतलब है सोच समझ। दूसरा शब्द है पाछो यानी कि बाद में। पछताए, पछताए का मतलब होता है पछताना। बिगाड़े यानी कि बिगड़ना। आपनो, आपनो शब्द का मतलब होता है अपना। जग, जग का मतलब होता है संसार, दुनिया, जगत। हंसाई यानी कि हंसी, मजाक। तो यहाँ पर कबीरदास ने इस दोहे के माध्यम से इस संसार के लोगों को ये सिखाते हैं कि जो व्यक्ति बिना सोच समझकर, बिना विचारे जो करे, यानी कि बिना सोच समझकर जो व्यक्ति कार्य करता है, जो व्यक्ति काम करता है, सो पाछो पछताए यानी कि सो यानी कि वो व्यक्ति पाछो यानी कि बाद में, पाछड़ थी, गुजराती भाषा में कहिए तो पाछड़ थी,
सो पाछो पछताए, यानी कि जो व्यक्ति बिना विचारे काम करता है सो पाछो पछताए, वो व्यक्ति बाद में पछताता है, उसे बाद में पछताने का वारा आता है, पछताने का समय आता है। वो व्यक्ति अपना काम भी काम बिगाड़े अपनो, यानी कि वो व्यक्ति अपना काम भी बिगाड़ देता है। और जग में हो हंसाए, यानी कि जग में उसकी बाद में उसकी हंसी भी उड़ाई जाती है। तो यहाँ पर इस दोहे के माध्यम से कबीरदास ये कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना विचारे अपना काम करता है वो बाद में पछताता है और अपना काम भी बिगाड़ देता है, और उस जग में जगत में संसार में उसकी हंसी मजाक भी उड़ाई जाती है। यहाँ पर कबीरदास ने सत्संग या परिश्रम या बिना सोच समझ कर जो कार्य करता है, जो बिना सोच समझ कर जो व्यक्ति काम करता है, उसके पर व्यंग किया गया है कबीरदास ने। यहाँ पर तीसरा दोहा है, कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहूं से दोस्ती ना काहूं से बैर। तो कबीरदास यहाँ पर इस दोहे के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, उसको समझने के पहले हम उस दोहे में जो शब्द दिया गया है उसमें उसके बारे में समझ लेते हैं शब्दों को, बाद में दोहे की समझूती प्राप्त करते हैं। तो कबीरा यानी कि कबीरदास, खड़ा यानी कि खड़ा रहना, बाजार यानी कि बाजार के बीच, सबके बीच, दुनिया के बीच, इस समाज के बीच, मांगे यानी कि मांगना, सब यानी कि सभी लोगों के लिए, खैर यानी कि कुशलता, खैर का मतलब होता है कुशलता, काहूं यानी कि किसी से, किसी के लिए, दोस्ती, यहाँ पर दोस्ती शब्द का अर्थ होता है मित्रता, भाईबंदी, काहूं यानी कि किसी के लिए, बैर, बैर शब्द का अर्थ होता है दुश्मनी। तो कबीरदास इस दोहे के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि ये हमें सिखाना चाहते हैं, ये हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरदास पूरे समाज के बीच खड़ा है, पूरे इस बाजार में सबके सामने खड़ा होकर भगवान से सबकी मांगे सबकी खैर, यानी कि भगवान से सबके लिए कुशलता मांगते हैं, यानी कि सब सब खुश रहें ऐसी कुशलता भगवान से कबीरदास सबके लिए मांगते हैं। सब लोगों के बीच खड़े होकर कबीरदास ने ये सबकी भलाई के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। और कबीरदास कहते हैं कि मेरी किसी काहू से दोस्ती ना काहू से दोस्ती, यानी कि मेरी किसी से भी दोस्ती नहीं है, मेरी किसी से भी दोस्ती नहीं है, और ना काहू से बैर यानी कि, और नहीं किसी से दुश्मनी, यानी कि कबीरदास ने यहाँ सबके लिए समानता, समानता का भाव यहाँ पर प्रकट किया है कि इस समाज के लिए जो कबीरदास कुशलता मांगते हैं, समाज के लिए कबीरदास ने जो ईश्वर से प्रार्थना की है, इसमें कबीरदास ने बिना लागवक से, यानी कि बिना लागवक से, बिना किसी की सिफारिश से, कबीरदास यहाँ सबकी कुशलता नहीं मांगते, लेकिन सबके लिए समान दृष्टि से कबीरदास ने यहाँ भगवान से प्रार्थना की है कि सबको कुशल रखे, इसीलिए मैं किसी से दोस्ती नहीं रखता और किसी से दुश्मनी भी नहीं रखता। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम दोहे के बारे में, जिसमें कबीरदास के दोहे के बारे में समझ प्राप्त की, नेक्स्ट वीडियो में हम रहीमदास के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम कबीरदास के दोहे के बारे में यहाँ पूर्ण विराम करते हैं। अस्तु।